कोरोना विषाणु का बढ़ता संक्रमण देखते हुए देश में लॉकडाउन किया गया है। कोई भी घर से ना निकले, हर चौराहे पर पुलिस तैनात की गई है। बेवजह घर से निकलने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कामकाज बंद होने से मजदूर अपने घर पैदल जाने के लिए निकले हैं। लेकिन कामकाज बंद होने से मजदूर अपने घर पैदल जाने के लिए निकले हैं। नागपुर से मध्य प्रदेश की ओर बड़ी संख्या में मजदूर जा रहे हैं, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं सर पर बोझ उठाए अपने घर की ओर चल दिए। 40 से 50 किलोमीटर चलकर आने से सभी थक गए थे। इन थके हुए सभी मजदूरों को ग्राम पंचायत कांदरी और खदान द्वारा भोजन कराया गया। साथ ही रोज ही जरूरतमंद लोगों को आलू भात वितरित किया जाता है। कांदरी खदान और ग्राम पंचायत ने तो इन मजदूरों को खवासा बॉर्डर तक छोड़ने के लिए बस साथ ही एक ट्रक की व्यवस्था की है, जिसमें ग्राम पंचायत सरपंच परमानंद शेंडे, उप सरपंच मंजीत बहेलिया, सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश खोबरागड़े, नितेश देहरिया, सत्येंद्र देहरिया, मदन वरकड़े, विजय भारद्वाज, विनोद पाटिल, हरीश सार्वे, सुधीर गोंदुले, राजेश धारगावे, संतोष धुरिया, सुजीत साई का विशेष सहकार्य रहा। साथ ही कांदरी माइन मैनेजर खान और मंसर माइन मैनेजर देकाटे ने भी अपना योगदान दिया। इस समय में इनबीसीएन की टीम कांदरी खदान के उस हाईवे पे है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि ये दिहाड़ी जो लोग हैं पैदल चलते हुए कई किलोमीटर तक के इनका ये सफ़र अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा है। वे लगातार पैदल पैदल आ रहे हैं। इनको अपने गाँव में जाना है, कोई बंगलोर में रहता है, कोई सिवनी में रहता है, कोई बालाघाट में रहता है। कहने का तात्पर्य कि मध्य प्रदेश की ओर ये लोग बढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत ऐसे कई अब तक के युवा साथी साथ में मिलते हुए लेके पैदल पैदल जा रहे हैं। ऐसे लोगों की देखभाल करने के लिए यहाँ पे इस तरह का भोजन का एक व्यवस्था कांदरी के इन नौजवान द्वारा किया गया है। आप देख सकते कि ये वही लोग है जिसका कुछ ऐसे ड्राइवर कंडक्टर लोगों वो भी खाना खाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी काफ़ी थके हुए, आइए इनसे पहले बात कर लेते हैं। हम कहाँ से आ रहे हो आप? साहब हम लोग सूरत गुजरात से। सूरत गुजरात से आ रहे हो? जी सर। कहाँ रहे हो अभी? साहब सिवनी जा रहे हैं। कैसे आ गुजरात? हम लोग सब ऐसे ही ट्रांसपोर्टिंग पैदल चलते हुए, कुछ दूर ट्रांसपोर्टिंग, कुछ दूर पैदल। खाना खाया आपने? खाना खाया सर। बीच रास्ते में खाना मिलता था? हाँ खाना मिल रहा था सर, खाना की सुविधा उपलब्ध थी। आप क्यों जा रहे हो गाँव? साहब वहाँ पे पूरी सब फैक्ट्री वगैरह बंद हो गई थी, कोई सेट वगैरह भी कंपनी नहीं आ रहे थे किसी प्रकार के। एक रूम में मान लो 10-12 लोग थे, मान लो कि सब रूम भी बंद थे, तो मान लो वर्कर के 50 आदमी होते थे। संडास बाथरूम, पानी की सब समस्या बढ़ती थी, इस वजह से निकल चुके हैं। आपको पता क्या है? शायद लॉकडाउन तो है, लेकिन अब वहाँ भी परेशानी थी, इस वजह से हम लोग निकल चुके। तो आपके परिजनों ने आपको घर आने के लिए कहा है? नहीं साहब, उन लोग ने तो नहीं किए, बोले जैसे भी है तो निकालो वहाँ पे, जिस टाइम जितना दिन निकलता है लॉकडाउन का। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार राणे सर। विनोद, ये बताए कि जिस तरह से बीच सड़क में आपको खाना मिलता था, क्या कहीं ऐसे डॉक्टर्स की टीम मिली, जांच पड़ताल की आपकी? नहीं साहब ये नहीं किए, कहीं भी टीम नहीं मिली। तो इस तरह का ये जो कामकाज है, खाने के साथ साथ जांच होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये देख सकते कि ये जो नौजवान साथी है, थोड़ा एक एक मीटर का फासला जरूर बनाए रखे हुए है, और इनके पाँव ये बात बयां कर रही है कि काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर का ये इनका ये सफ़र रहा है। ये अपने घर की ओर जाने के लिए निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को जो खाना खिलाया जा रहा है, इस तरह से दाल चावल भी खिलाया जा रहा है। और ये जो कांदरी के जो तमाम जो युवा साथी है, काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ में इस गाँव के सरपंच है, आइए उनसे जाना चाहेंगे। सरपंच साहब ये बताए कि क्या ये रोज़ाना इस प्रकार का खाना होता है? हाँ, यहाँ जब से सरकार ने लॉकडाउन घोषित किया है तब से रोज़ाना यहाँ पर सुबह 6 बजे से शाम तकरीबन 7-8 बजे तक यहाँ पे जो जो चलने वाले पैदल लोग हैं उन सभी के लिए खाना यहाँ पर परसा जाता है। और ये जो खाना हम यहाँ पे बना रहे हैं, हम ग्राम पंचायत की तरफ से भी और हमारे जो तमाम साथी जो लोग आपको दिख रहे हैं उन सभी के सहयोग से हम ये सब चलने दे रहे हैं। हमारे साथी है प्रकाश जी खोबरागड़े और वैसे तमाम साथी, इन्होंने इधर उधर से जो भी इकट्ठा करके लाए, हमने यहाँ से इकट्ठा करने के बाद में सब इन लोगों को परसा, और इसके बाद में जो पैदल जो साथी दिख रहे हैं इनके लिए हमने यहाँ से खवासा बॉर्डर तक छोड़ने के लिए बस और ट्रक्स भी लगाए थे। सरपंच साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि जहाँ एक और आपने खाने के ऐसे स्टॉल लगाए, ये तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जहाँ आपके यहाँ के जो PSC होते हैं या संस्था जो जुड़े हुए जो शिविर होते हैं, जो केंद्र होते हैं, उनके ओर से जांच पड़ताल करने के लिए डॉक्टर्स की टीम भी आप यहाँ रख सकते थे, उसके लिए कुछ पहल करना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे,
अगर डॉक्टर्स की टीम अगर यहाँ पर आती है हमारा खाने के स्टॉल के बाजू में, तो वह वहाँ पर उनका चेकअप भी किया जाएगा और हम यहाँ से खाना भी खिला के उनको वहाँ तक बॉर्डर पार भी करा सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात रहेगी अगर सरकार हमें अगर उपलब्ध करा देती चेकअप वाले टीम। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप? मैं परमानंद शिंदे, घटक ग्राम पंचायत कांदरी का सरपंच। तो आप घटक ग्राम पंचायत कांदरी के सरपंच हो जिन्होंने ये बात कही है, सरकार शासन प्रशासन हमेशा मदद करती हुई नज़र आती है, या कोरोना वायरस की बात है तो ऐसे समय में तो जो पीएससी होते हैं या स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ये सुविधा कांदरी के इस परिसर में होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये नौजवान साथियों ने जिस प्रकार भोजन की व्यवस्था की है, अगर जाँच की भी थोड़ी व्यवस्था हो जाए तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा, और कोरोना वायरस की रोकथाम एवं जन जागृति के लिए इस प्रकार के कामकाज भी करना चाहिए, और काफ़ी अच्छी पहल आज कांदरी के इन तमाम युवा साथियों द्वारा की गई है। और लोग जो दिहाड़ी मजदूर है, खाना खा के दो निवाले खा के उनमें जो थकान है वो थकान निकल जाती है, और फिर से वो लोग अपने गांव की ओर रवाना हो रहे हैं। कांदरी के इस हाईवे से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़।